फ्लोइंग डायरेक्शन टेस्ट, इसी का पार्ट है न्यूमेरिक टेबल टेस्ट। इसके अंदर टेबल होगा एक लेफ्ट साइड के अंदर, ये वाला लेफ्ट साइड हो गया, ये पार्ट टू राइट साइड हो गया। इसमें जो ये टेबल दी हुई है, इस टेबल, ये टेबल एक ही रहने वाला है, लेकिन जो इधर की तरफ देखेंगे तो ये 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले एग्जाम के अंदर, और इनको सोल्व करने के लिए 5 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है, ठीक है। और आप बड़े आसानी से कर पाएंगे, मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा, आपने अगर उसी तरह का गाइडेंस को फॉलो किया तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। जैसे यहां क्या लिखा है, कोलम ई और रो ई के विकर्णों को, अब यहां पर कोलम ई का कौन सा नंबर लेना है, ऊपर से नीचे से, कोई बताया नहीं है। तो कोलम ई कहां है हमारे पास में, ये, और ऐसे ही रो ई लिया है, यानी रो ई हमारे पास में ये। तो इस केस में क्या करेंगे, कोलम ई और रो ई के विकर्णों को उल्टे क्रम में, तो इनका जो ये अक्षर है पहला, इस अक्षर का हमें, ये अंक है जो पहला, इस अंक का हमें यूज करना है। अब उसके साथ में जो जो इंस्ट्रक्शन दी होंगी वो हमें फॉलो करनी है, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। विकर्णों को उल्टे क्रम में रखने पर कोलम ए के विकर्ण के मध्य अंक कौन सा होगा, कोलम ए कहां है, कोलम ए हमारे पास में ये है, इसका विकर्ण, कोलम ए का विकर्ण कहां से होगा, ये हो गया कोलम ए का विकर्ण। इसके मध्य में अक्षर क्या आ रहा है, दो आ रहा है, लेकिन पहले क्या बोला इसने, कोलम ई और रो ई के विकर्णों को उल्टा करने पर। तो देखिए इन विकर्णों का उल्टा कर दीजिए, आप इसका विकर्ण बना लीजिए, दो को इधर ले जाइए, सारे ही दो हैं इसके अंदर, आप किसी को भी कैसे भी घुमा दीजिए, लेकिन आपका बीच का सेंटर में तो दो ही रहने वाला है, तो आपका राइट आंसर यहां पर दो निकल के आ गया, ठीक है। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अगर आप सही से ध्यान रखेंगे तो इसको आपको कोलमों जो ई और रो ई, इसको उल्ट पुलट करने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली थी, क्योंकि सेंटर कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, इनके बीच में जो अक्षर अंक है, सॉरी, वो अंक बदलने वाला नहीं है, उसकी पोजीशन वही रहेगी, तो वही रहेगी। तो उस वहां पर अगर जो भी अंक होगा, इस टेबल में यहां पर दो अंक है, अगर दो की जगह कुछ और होता तो भी यही बीच वाला आंसर होता आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रो बी में कौन सा अंक 3 और 2 के बीच में आता है, रो बी में कौन सा अंक, रो बी का है ये, इसमें 3 का है ये और 2 का है ये, इसके बीच में आता है, वह अंक किस कॉलम में नहीं है, ये 5 जो है वो किस कॉलम में नहीं है। फटाफट से देखिए ध्यान से, आपके इस बी वाले कॉलम में 5 दिखाई नहीं दे रहा है, इसके अलावा यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, सब में है, ठीक है। उस कॉलम का मध्य अंक कौन सा होगा, इस कॉलम का मध्य अंक कौन सा होगा, 4, तो आपका सही आंसर निकल के आ गया यहां पर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां देखिए कौन से दो अंक जो रो और कॉलम के आरंभ और अंत में आते हैं। अब सबसे पहले में वो दो अंक ढूंढने होंगे, सॉरी, सबसे पहले हमें वो दो अंक ढूंढने होंगे जो रो और कॉलम के आरंभ और अंत में आते हैं। देखिए ये, देखिए ये कॉलम के आरंभ में आ रहा है और अंत में भी आ रहा है, और ये इस रो के अंत में भी आ रहा है, तो एक तो हमें मिल गया 2। दूसरे को देखते हैं हम लोग, दूसरा क्या है हमारे पास में, फिर देखिए दूसरा देखेंगे तो 4 हमारे पास कहीं पर भी नहीं आ रहा, 5 को देख लीजिए, 5 5 5 5, यानी कि अभी हमें 2 अंक मिल गए, 2 और 5, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसा अंक हमें नहीं मिल रहा जो रो और कॉलम के आरंभ और अंत में सेम आ रहा हो, ठीक है। वे दोनों अंक कौन सी रो में लगातार आ रहे हैं, अब देखिए फटाफट से 2 और 5 कहां लगातार आ रहे हैं, यहां इसमें नहीं है, इसमें देखिए, इसमें देखेंगे तो मैं कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, इसमें देखिए, इसमें ये आपको लगातार वो दोनों अंक मिल गए हैं, 5 और 2 2 और 5, उल्टा लिखा हुआ है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये और कहीं नहीं मिलेंगे आपको, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, ठीक है। अब यहां तक पहुंच गए, उस रो में ज्यादा बार कौन सा अंक आया है, किस रो में, इस बी के अंदर, बी में ज्यादा बार कौन सा अंक आ रहा है, 3,
तो आपका सही आंसर हो गया 3। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, इस पूरी तालिका में कौन सा अंक सबसे कम बार आया है या आता है? तो अंक कौन कौन से इसके अंदर? 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें या तो इनको गिनना पड़ेगा, अब गिनना पड़ेगा तो गिनने बैठिए। कौन सा सबसे कम बार आया है? 1 को देख लीजिए सबसे पहले, 1 एक यहां है, एक यहां है, 2 ही बार 1 आया है। 2 को देख लीजिए, अब हमें 2 से कम वाले को गिनना है। अगर हमें कोई एक अकेला दिख रहा है, क्योंकि सबसे कम अंक को पूछ रहा है, तो सिंगल को देखना है। अब 2 को देखिए, 2 हमारे पास 1, 2, 3, तो 2 को हम नहीं कंसिडर करेंगे। 3 को देख लेते हैं हम लोग, 1, 2, 3, इसको भी नहीं करेंगे हम लोग। 4 को देख लीजिए, 1, 2, 3, इसको भी नहीं करेंगे हम लोग। 5 को देख लीजिए, 1, 2, 3, इसको भी नहीं करेंगे। यानी कि हमारे पास सबसे कम बार 1 आ रहा है, तो आपका सही आंसर हो गया 1। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए। कॉलम ए के पहले अंक, ध्यान से पढ़ना है। सारा खेल इस पेपर को सोल्व करने में आपको जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड ध्यान रहेगा, उसी ध्यान से अगर आप पढ़ते चले जाएंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? कॉलम ए कहां है? ये के पहले अंक के दाएं अंतिम अंक के विकर्णवर चलते हुए अंतिम अंक पर पहुंचे और पुनः जहां से चले थे वहीं पहुंचे तो एक त्रिभुज का निर्माण होता है। तो हमें कहां से चलना है? यहां से चलना है, यहां से होते नीचे आ गए और ये वापस से यहां पहुंच गए। रूट ऐसा था, ये हमारा इस तरह से था ये। ठीक है, उस पूरे मार्ग में कौन सा अंक सबसे ज्यादा बार आता है? इस पूरे मार्ग में सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा अंक? इस पूरे में आ रहा है हमारा 2 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये 2 ही 2 है, तो हमारा राइट आंसर हो गया यहां पर 2। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम ए से लेकर कॉलम ई तक किस कॉलम में 2 अंक 1 से अधिक बार आते हैं? यहां से हमें देखना है और यहां तक जाना है। किस कॉलम में 2 अंक 1 से अधिक बार आते हैं? तो देखिए, यहां पर 2, 2, 3, 3 पहले में ही मिल गया हमें। आगे भी एक बार देख लेते हैं सरसरी नजरों से। यहां पर 4 3 बार है और नहीं है, यहां पर भी नहीं है हमारे पास में। उससे आगे देख लीजिए, यहां पर भी नहीं है हमारे पास में। 5 3 बार है, यहां पर देखिए अगले में, यहां पर हमारे पास में 4 3 बार है, यहां भी नहीं है। उससे आगे देखिए, यहां भी नहीं। यानी कि हम कॉलम ए में हमें आंसर को निकालना है और कॉलम ए से ही हमें काम करना है आगे की तरफ आंसर को निकालने के लिए। उन अंकों के बीच के अंक, अब इनका बीच का अंक कौन सा हो गया? ये हो गया। के दाएं नीचे अंतिम विकर्ण का अंक कौन सा होगा? दाएं नीचे अंतिम विकर्ण का अंक कौन सा होगा? ये 5। तो आपका सही आंसर हो गया 5। समझ गए? आपने लगातार इससे पहले हमारे 17 टेस्टों के सॉल्यूशन देख ही लिए होंगे, जिसमें हमने टेबल्स को सारे कवर किया है, फॉलोइंग डायरेक्शन को। वहां भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में डाल के भेज सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं वहां रिप्लाई कर दूंगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए। रो ई से सीधे चलते हुए, कहां है रो ई? ये है हमारी। ठीक है, अब हम पहले पढ़ लेते हैं इसको। सीधे चलते हुए, सीधे चलें और तीसरे अंक पर पहुंचे, यहां से चलेंगे और तीसरे अंक पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, से बोला हुआ है ना, तो से बोला हुआ है तो आपको यहां से शुरू करना है। 1, 2, 3 पहुंच गए यहां पर। उस अंक के ऊपर तीसरे अंक पर पहुंचे, के ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर पहला, दूसरा, तीसरा, यानी हमें यहां पहुंचना है 5 के पास। ठीक है, और घड़ी की विपरीत दिशा में चारों ओर घूमते हुए पुनः 2 पर पहुंचे। तो घड़ी की विपरीत दिशा हमारे पास में ऐसे हो गई। कैसे? ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे पहुंच गए हम लोग। इस मार्ग में कौन सा अंक लगातार आ रहा है? इस मार्ग में पूरे में लगातार कौन सा अंक आ रहा है? ये 3 लगातार आ रहा है, इसके अलावा कोई भी लगातार नहीं है। तो आपका सही आंसर हो गया 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कौन सा अंक जो लगातार 5 बार आ रहा है, वह अंक कौन सी रो में ज्यादा बार आता है? 5 बार कौन सा अंक लगातार आ रहा है?
ये, ठीक है। अब ये किस रो में सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो आपकी रो नंबर एक में ज्यादा बार आ रहा है, एक दो बार, ठीक है। इसके अलावा सभी जगह पे ये नहीं दिखेगा आपको। उस रो का मध्य अंक कौन सा होगा? इस रो का मध्य अंक हो गया 5, तो आपका सही आंसर हो गया 5। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आगे देखिए, कौन सी रो में सभी अंक आते हैं? तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि किसमें सभी आ रहे हैं। इसमें एक नहीं आ रहा, इसमें हम देखेंगे तो 4 नहीं है, इसके अंदर एक नहीं है, इस डी में सभी अंक आ रहे हैं और इसमें भी एक नहीं है। तो हमें डी रो मिल गई जिसके अंदर सभी अंक आ रहे हैं, ठीक है। उस रो के अंतिम अंक के नीचे अंतिम अंक कौन सा होगा? यानी कि ये अंतिम अंक हो गया, इसके नीचे अंतिम अंक एक ही है, तो ये 3 आ गया हमारे पास। वह अंक कौन सी रो में है? रो नंबर 3 में 5 में आ रहा है। उस रो में कौन सा अंक ज्यादा बार आया है? इस रो में ज्यादा बार कौन सा अंक आ रहा है? 4। तो आपका सही आंसर हो गया 4। बस थोड़ा सा घुमा रखा है आपको, कि घुमा के थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, कि आपका ज्यादा टाइम खर्च हो जाए और आप परेशान हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अंक 2 कौन से कॉलम के अंत में आता है? तो कॉलम ए को देखिए, यही हमें सबसे लास्ट में 2 दिखाई दे रहा है, तो हमें 2 तो मिल गया। उस कॉलम में मध्य अंक के दाएं, उस कॉलम में मध्य अंक कौन सा हो गया? ये हो गया कि दाएं अंतिम अंक तक पहुंचे, यहां तक हम पहुंच गए, अंतिम अंक यहां तक पहुंच गए। इन 2 अंकों के बीच का अंक कौन सा होगा? इन 2 अंकों के बीच का अंक कौन सा हो गया? 2। तो हमारा राइट आंसर हो गया 2, समझ गए। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका, 18वें नंबर का भी। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से दोबारा देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करिएगा, और साथ में क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी चाहे तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और इसको वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी फायदा हो पाए, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, धन्यवाद।